आचार्य मानतुंग स्वामी की उस पावन अमर कृति का रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कल बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे कि जो जिसका ग्राही होता है उसको वही प्राप्त होता है। जैसी रुचि होती है वैसा ही गुण प्राप्त होता है। भगवान के पास एक भी दोस्त नहीं है, न क्षुधा का दोष है न तृष्णा का दोष, न उनके लिए भूख लगती है न प्यास लगती है, न चिंता है न खेद है न श्रम है, न राग है न द्वेष, न गर्व है न कोई विस्मय है न आतंक है, न जन्म है जरा न मृत्यु, तो कुछ भी नहीं। इसलिए वीतरागी वही होता है जो 18 दोषों से रहित होता है। छुत पिपासा जरा तंके जन्मान तक वयस्मया, न राग देश मोहश्च यस्य याप्तः शाप प्रकीर्तते। आचार्य शमद्र भद्र स्वामी ने ये बात कही, उसी को हम आप्त कहते हैं। जिनके पास इन 18 दोषों में से कोई भी दोष विद्यमान है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा भगवान का परीक्षण यही है। अंथा जो कार्य हम करते हैं वो कार्य वो भी करते हैं तो वो भगवान कैसे है। राग हमारे पास भी है, राग उनके पास भी है। बनाने और मिटाने का काम वो करते हैं तो भगवान कैसे है। कोई बनाता है रचता है, कोई रक्षा करता है और तीसरा आके मिटा देता है, फिर भी वो भगवान है। तो भगवान को खेल करना आता है क्या? खेलते हैं क्या भगवान? और वो भी किन से? सृष्टि से। इसका मतलब जो बना रहा है उसको राग है, या जो रक्षा कर रहा है उसके अंदर भी राग की भावना है, और जो मिटा रहा है वो देश की भावना है। इसका मतलब ही हुआ कि राग देश से प्रेरित है। दूसरी बात, परमात्मा हमारा कृतकृत होता है। परमात्मा उन्हें कहते हैं जो कृतकृत हो, यानी अब कुछ भी करने शेष नहीं है, सब कुछ कर लिया है, करने के बाद सब समापन हो गया है, एकमात्र अपने वेदिष्ट अधिष्ठित हो चुके हैं, अपने स्वरूप का वेदन कर रहे हैं, अपने अनंत गुणों का रसपान कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है, इच्छा ही नहीं है, समाप्त हो गई है। ये सब कुछ बनाने मिटाने का काम जो होता है वो इच्छा से प्रेरित होकर के होता है, और इच्छा लोभ कषाय से होती है, और लोभ कषाय मोहिनी कर्म की प्रकृति है। मोहिनी कर्म की प्रकृति है, तो इसका मतलब मोहिनी कर्म अभी विद्यमान है, लोभ से इच्छा होती है, लोभ कसाय भी है, और जब कसाय ही है तो परमात्मा कैसे होगा? इसलिए जब केवल ज्ञान हो जाता है वहां जितनी भी क्रियाएं होती है अनिच्छित क्रिया होती है। भगवान की देशना स्वाभाविक कृति है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए खिरेगी उनकी नहीं खिरेगी, वो बात अलग है कि तुम्हारा कितना पुण्य है
भवी भो भागन बस जोगे बस है, भव्यों के भाग्य के बसात भी है। तीव्र पुण्यात्मा पहुंचता है तो अनायास निवृत्त बन जाता है। नियोग वाली बात होती है, वहां इच्छा नहीं है। अंत आप कहे 65 दिन तक देशना नहीं करी, और इंद्रभूति गौतम ने जैसे ही दीक्षा ली और देशना खिरने लगी। पूरा नाम इंद्रभूति गौतम, और हम क्या बोलते हैं, गौतम, विशिद्ध है ना। तो मैं बात जो बतला रहा हूं, वहां पर जब कोई विशिष्ट पुण्यशाली जीव पहुंच जाता है, ऐसे भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोक्ष में पहुंचते थे, देशना खेलने लगती थी। लेकिन वहां पर कोई भी वृत्ति इच्छिक नहीं है। भगवान का चलना, गमन होना, बैठ जाना, देशना खिरने लगना, इस सभी की सभी जो वृत्ति होती है अरिहंत अवस्था में स्वाभाविक है। इसका प्रमाण प्रवचन सार गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, थाण ऋषे ज विहारा धम्मो देश निधिम तेषम अरिहंताड़म काले माया चारो विथीडम। ठाणा जी से जी विहारा, अच्छा खड़े हो जाना, बैठ जाना, उनके पग आगे बढ़ना, विहार होना, ठाणा से जी विहारा, धर्म का उपदेश होना, नियत स्वभाव क्या है ये, क्या है, अरिहंताणम काले, अरिहंत अवस्था में, अरिहंत काल में होता है, इस स्वभाव है। यहीं पर फिर एक संबोधन और दे दिया कुंद कुंद स्वामी ने, बोले मायाचारो पिथीडम, जैसे स्त्रियों में मायाचारी। इस गाथा में दिया है, देखो कहां पर समझाने के लिए एक और संकेत कर दिया, जैसे स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है, वैसे ही सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, और जो कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं वो बात हम कह रहे हैं आपसे। प्रकृति है, पुरुष लोग कितने खुश हो रहे हैं, देखो हम लोग तो एकदम सही हैं, हम लोग का तो दृष्टांत दिया नहीं है, और हम लोग में तो होती नहीं है, स्त्रियां ही मिली हैं, तो स्त्रियों को संबोधन कर दिया। एक बात ध्यान रखना, ये बात भी कही है कि अगर तुम मायाचारी करोगे तो पासा पलट जाएगा, समझ रहे ना, मतलब अगर आपकी मायाचारी रही तो आप उधर पहुंच जाओगे। और मायाचारी रही तो त्रियंच अवस्था में पहुंच जाओगे। मायाचारी का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्वभाव प्रकृति बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, एक प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मायाचारी से मुक्त हो गए हैं तो आपकी मायाचारी की चर्चा करेंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन इनमें पिछुड़ता होती है, किसमें, इनमें पिछुड़ता होती है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और स्त्री पर्याय, माना कि आपने मनुष्य आयु का वध कर लिया, मनुष्य आयु का वंध करने के बाद भी आपके अंदर मायाचारी चलते रहे, और उन शेष कपस कालों में मायाचारी का ऐसा प्रभाव हुआ कि मनुष्य पर्याय में आकर के भी स्त्री बनना पड़ा। आयु बंध के काल में अगर मायाचारी रहती है तो त्रियंच आयु का बंध होता है, और मनुष्य आयु का बंध होने पर मायाचारी रहने से स्त्री पर्याय मिलते हैं, और मायाचारी छोड़ देने से कौन सी पर्याय मिलते हैं, देवत्व पर्याय मिलते हैं। इसलिए हम स्वभाव की चर्चा वहां पर, अरिहंत भगवान की चर्चा यहां कर रहे हैं।
क्या अरहंत भगवान की देशना। तो परमात्मा हमारा कैसा होता है, कृत कृत होता है। वहां पर अब कुछ करने के लिए नहीं है कि हम तुम्हारे लिए, भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करते हैं कि नहीं तुम हमारे भक्त हो इसलिए तुम्हें हम विशेष आशीर्वाद देते हैं, तुम नहीं, तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम्हें हम सुखी बना देंगे, तुम्हें हम दुखी बना देंगे, ये परमात्मा का काम नहीं है, ऐसे कोई इच्छा नहीं करते हैं। वहां तो सबके लिए देशना समान खेरी है, लेकिन उस देशना का उपयोग कौन कितना कर रहा है वो आपके ऊपर निर्भर है। आपका पुरुषार्थ जितना हो जाएगा उतना आप पालोगे। खजाना भरा पड़ा है, जो प्रयास करेगा वो लूट लेता है, जो प्रयास नहीं करता है वो नहीं पा पाता है। बस यही रहस्य है, जो प्रभु की अर्चना में डूब जाता है अपने परमाणुओं को विशुद्ध बना लेता है, अशुद्ध प्रदेशों में से जो परमाणु थे उनको निकाल देता है, उस विशुद्धि के प्रभाव से सातिशय पुण्य होता है और सातिशय पुण्य के प्रभाव से अनेक चमत्कार होने लगते हैं, उसके जीवन में अनेक उपलब्धियाँ होने लगती हैं, ये रहस्य है। लेकिन वो वीतराग भगवान की भक्ति से है। किससे? वीतराग भगवान की भक्ति से। इसलिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए इस भाव में आकर के कि नहीं नहीं मेरा आराध्य तो वीतराग भगवान है, मेरा आराध्य तो वीतराग भगवान है। कितनी भी समस्या कितने भी संकट जीवन में आ जाए, क्या बात करते हो, अग्नि के कुंड में प्रवेश करने के लिए सीता को राम ने आज्ञा दी, कहा अग्नि के कुंड में प्रवेश करने के लिए, और सीता प्रवेश कर जाती है नबुकार मंत्र पढ़ करके। कैसे? नमुकार मंत्र पढ़ करके अग्नि के कुंड में प्रवेश कर जाती है। स्मरण किया तो किसको? नमुकार मंत्र को। एकमात्र वीतराग की अरहंत परमात्मा स्मरण में आ रही है और भगवान को ही पुकारा है, और जैसे ही वीतराग ही भगवान को पुकारा प्रभाव ही हुआ कि अग्नि का नीर बन गया। अग्नि कुंड जलाशय बन गया और सीता कमलासन पर विराजमान हो गए। किसी देव को नहीं पुकारा, देवादिदेव को पुकारा। किसको? देव को नहीं पुकारा, देवादिदेव को पुकारा। जो देवादिदेव को पुकारता है उसके हम सामने देव हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं सहयोग करने के लिए, सहायता के लिए। और भगवान का स्मरण कर रही थी सीता और अचानक कोई देव जा रहा था और उस देव ने देखा कि सती सीता पर शीलवंत नारी पर इतना नहीं, उसने तत्काल कुल पुकारा। किसको? देवादिदेव। तुम अगर देवादिदेव को पुकारोगे तो चार निकाय के देव तुम्हारी सेवा में रत हो जाएंगे, और तुम देवों को पुकारोगे तो देवादिदेव से भी जाओगे और देव से भी जाओगे। ध्यान रखना, और कर्म बंध होगा अलग। हम तो यही कर रहे हैं, अभी तक हम यही वही घूम रहे हैं, भगवान के पास अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप कहेंगे मंदिर तो आते हैं लेकिन जाते कहाँ का हो, बोलो कहाँ कहाँ जाते हो। जब तक तुम्हारा ये भ्रमण चल रहा है तब तक भ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारी मान्यता में तो बहुत कुछ है और तुम मान्यता में सब वही रखे एक साथ रखे हुए हैं, नहीं देवादिदेव जिस हृदय में विराजमान होते हैं वह हृदय साफ स्वच्छ होता है।
मालूम है जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो माता का शोधन करने के लिए 14 दिन की आज्ञा होते हैं और देवियों को भेद दिया जाता है गर्भ शोधन के लिए, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है उसके पहले गर्भ का शोधन किया जाता है। ऐसे वैसे गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव नहीं आएगा। जब वहां पर गर्भ में जाने के लिए वहां स्फटिक मणि के समान स्वच्छ चाहिए, तो फिर हम इन परमात्मा को यहां विराजमान करने के लिए, तुम्हारा हृदय कितना निर्मल होना चाहिए, एकदम साफ स्वच्छ, कोई मिथ्यात की कालमा नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं चाहिए, अज्ञानता की, मिथ्यात की, किसी भी प्रकार की अश्रद्धा की नहीं। एकमात्र श्रद्धा निष्ठा से स्फटिक मणि के समान बनाया सूक्ष्म हृदय, और उस सूक्ष्म हृदय पर जो हमने कमल बनाया है, हृदय रूपी कमल पर, सिंहासन पर, फिर हम आस्था रूपी परमात्मा को विराजमान करते हैं, उसी जीव का नाम सम्यक दृष्टि है। उसी का नाम सम्यक दृष्टि है, इस बात का ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की ये है सही परिभाषा, वही धर्मात्मा वही सम्यक दृष्टि है। जब तक तुम इधर उधर भाग रहे हो तब तक तुम धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा नहीं हो सकते हो, धार्मिक दिख सकते हो, मैंने कल बतलाया था आपको, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकते हो, क्योंकि आत्मा धर्म से आप्लावित हो जाती है, उसको धर्मात्मा बोलते हैं, और अंदर में सोना और बाहर में चूना लगा रहे हैं,